हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर का हमारा सेकंड वीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं। उसके अलावा इनको अगर इन सिस्टम्स को अगर हम वेब के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम और हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और आईटी एप्लीकेशंस में इनके क्या ट्रेंड्स हैं, हम इन सब टॉपिक्स को बारी बारी और बिजनेस इश्यूज क्या हैं विद आईटी एप्लीकेशंस, इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ एक क्या कहते हैं, एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया था। कुछ लोगों की मुझे असाइनमेंट रिसीव हुई है, उन असाइनमेंट्स को भी मैं यहाँ पर शेयर करूंगा और जिसकी जो असाइनमेंट होगी वो उनको, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रहा होगा तो उन्हें बारी बारी मतलब बोलना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस वक्त मेरे साथ एक जो है वो क्या कहते हैं आपके, एक असाइनमेंट है मेरे पास जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर एक निबा उमर की तरफ से एक असाइनमेंट नजर आ रही है। आ रही है आपको सबको विजिबल? यस अच्छा जी, ये कौन है जी निबा उमर, काइंडली एक्सप्लेन करें जी अपनी असाइनमेंट को। इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं ये? यस सर, सीआर और आई जीआर थिंक बताएं वो जी। जी बताएं। अच्छा, सर वो लेफ्ट कर गई, लेफ्ट कर गई। हाँ चलें, इनके साथ मेरे पास एक और असाइनमेंट भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, ये हैं कोई शहनाज रफीक, अवेलेबल है? जी आर काइंडली बताएं, जी आर। नो अच्छा, सर, ये भी अवेलेबल नहीं है। मैं जरा एक नेक्स्ट असाइनमेंट खोल लेता हूँ। हाइफा असलम है हमारे पास, रोल नंबर 5 यस सर, इस वक्त लाइव है। यस सर। चलें जी, आप ये इनके असाइनमेंट आपको शेयर हो रही है। अच्छा, यस सर, चलें, आई वुड लाइक के ये जो है फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करेंगी। चलें जी, प्लीज स्टार्ट करें। आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया इसको, मैं बारी बारी आपकी स्लाइड को नेक्स्ट करता जाऊंगा, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। काइंडली एक्सप्लेन करें जी। सीआर ये अवेलेबल नहीं है अवेलेबल है सर। तो ये सुन नहीं पा रही है। जीआर है यहाँ पे? अच्छा, जी सर, वो भी एक काइंडली सर, एक मैं बात कर सकता हूँ जी जी बोले सर। सर? गर्ल्स इस तरह से जी जी बोले।
सर मोस्टली इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि बच्चे मेंटली तैयार नहीं थे, उनको एक आइडिया नहीं था कि इस तरह होगी प्रेजेंटेशन। ऐसा ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हो रहा है? नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम तो हो रहा है। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो पढ़ के तो बता सकते हैं ना, चले वो थोड़ा सा हिंट तो दे सकते हैं जी हमने ये किया जी सर, ये बात है। जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन। क्लास में गर्ल्स इतना जी सर, लेकिन वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करती गर्ल्स, बाकी आप कह सकते हैं अगर मोटिवेट होकर बता दें तो। नहीं है इसको एक्सप्लेन, आप देखें ना ये, अगर शी इज अवेलेबल तो काइंडली प्लीज इसको आप एक्सप्लेन कर दें कि आपने ये कहां से डाटा कलेक्ट किया और इसके बारे में कुछ बता दें। चलें नेक्स्ट देखते हैं। मैं नेक्स्ट असाइनमेंट खोल लेता हूं। जी सी आर, ये कोई है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 0305-491-2617। एक मिनट से मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कीजिए 0305। यस सर। 491-2617। इनकी भी मुझे असाइनमेंट मिली है, एक पेज की है। सर ये मेरे पास क्लास मेंबर में नंबर तो सेव नहीं है, अनसेव्ड आ रहा है ये मेरे पास। तो ये जो भी है उनको तो पता होगा ना, वो तो सुन रहे होंगे। उन्होंने अपनी असाइनमेंट के ऊपर नाम भी नहीं लिखा है, उन्होंने जस्ट जो है, मैं उनकी असाइनमेंट शेयर करता हूँ, जरा देखिए ये कौन है, जो है काइंडली उसको जो है वो एक्सप्लेन करें। ये देखें जी, आपको नजर आ रही है ये असाइनमेंट, ई कॉमर्स कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड अलीबाबा इज नॉट द लार्जेस्ट चाइनीज ई कॉमर्स, नजर आ रही है जी सबको असाइनमेंट? यस सर नजर आ रही है। तो ये जिसकी है वो पढ़ दे, मुश्किल हो रहा है। चलें जी, मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, आपकी तरफ से रिस्पांस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं जो दूसरी चीजें जो मैंने काम एक्चुअल कराना है मैं उसकी तरफ चला जाऊं। तो सबसे पहले तो ये कि जो आपको असाइनमेंट दी जाए काइंडली आपने उसको हर सूरत करना होता है। करने के बाद जो असाइनमेंट होती है या प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपने बोलना होता है, उसमें आपने प्रेजेंट करना होता है। अभी तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर फिजिकल क्लासेस भी होते तो मैं आपको कॉल करता व्हाइट बोर्ड के पास एंड देन मैं कहता किसी जी एक्सप्लेन करें, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा आफ्टर कम्प्लीशन योर, आप जब अपना डिग्री कम्प्लीट कर लेंगे फिर भी आपको बोलना होगा, कहीं जाके जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी जरूरी है, ठीक है? तो एक्सक्यूज मी सर, जी 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 बोले। सर पहले हम फिजिकली तो प्रेजेंटेशन देते रहे हैं, मतलब कि बोर्ड पे दे देते हैं, इस चीज का कोई इशू नहीं है हमें। अच्छा ठीक है, तो एक थोड़ा एक वो कन्फ्यूजन ये थी कि आपने कहा था कि ग्रुप में शेयर कर दें असाइनमेंट्स। जी जी, तो वहाँ इसलिए शेयर नहीं की कि वहाँ हायर अथॉरिटीज थी और हमारी क्लास के बॉयज की स्ट्रेंथ 50+ है। जी जी, तो वो थोड़ा उनको मतलब कि एक अनकंफर्ट फील होता हायर अथॉरिटीज को। सही है, तो एक इसका मीडियम हमें बता दें कि किस मीडियम पे हम आपसे शेयर कर सके उस ग्रुप के अलावा। नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ये जरूरी बाकी नहीं है, इंशाल्लाह जो बॉयज हैं वो कॉन्फिडेंटली ये एक्सप्लेन भी करेंगे। जी जी, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, यकीनन वो काफी बर्डन हो जाता है जब आपके साथ हेड्स होते हैं, वो एक एक चीज को नहीं देख पाते,
तो इसके लिए जी सिंपल सर, है, मैं आपको, आप लोग मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो नोट कर लें, आप लोग मुझे जो है वो क्या कहते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, राइट? तो आप मुझे ईमेल कर दिया करें, आई विल चेक, मैं उसको देख लिया करूंगा, ठीक है? मैं जो है अपना ईमेल जो है वो आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। जी सर, जस्ट वेट, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने होंगी स्क्रीन पे, आप यहाँ से नोट कर लें। ये इसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग में है, इस वीकेंड में इंशाल्लाह ये अपलोड कर दूंगा, आपका वो जो यूट्यूब का चैनल है इंशाल्लाह इस वीकेंड में अपलोड कर दूंगा। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, काइंडली इसको नोट कर लें, javadulhasan2000@gmail.com। आप मुझे इस पे जो है वो क्या कहते हैं, आप मुझे अपना जो भी असाइनमेंट होगी आप मुझे मेल कर सकते हैं। जब भी आपने कोई सर, असाइनमेंट मैंने बना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो आपने जब भी असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट में जो पहला पेज होगा उसमें आपने अपना नेम और अपना रोल नंबर वो लिखना है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन हो चाहे कोई आपकी असाइनमेंट हो। अभी जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ये जस्ट लाइक एन प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट असाइनमेंट, कि आपने डाटा कलेक्ट किया है तो आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अभी इन चीजों को आपने देखना है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया आपको सर। ये नजर आ रही है वेब बेस्ड सेलिंग की स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सर, सॉरी सर, एक बात और। जी जी बोलो सर, जिस तरह ये ऑनलाइन है ना, तो कुछ के पास मतलब कि ऑनलाइन में एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता कि वहाँ वो स्पीक कर सकें, तो काइंडली ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को असाइन कर दें कि इन लोगों की प्रेजेंटेशन होगी तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे जहाँ वो इजीली ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकें। अगर वो घर में बैठेंगे तो फिर बैकग्राउंड शोर और ये चीजें आएंगी। नहीं, बैकग्राउंड किस लिए शो होगा? अभी मेरा कोई बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है? आप अपनी वीडियो डिसेबल करेंगे और साथ में जो है वो क्या कहते हैं, नहीं सर, सर वो वीडियो की बात नहीं, मतलब शोर मतलब कि नॉइस की बात करूंगी। अगर वो घर में बैठे हैं तो उनका घरेलू नहीं, नॉइस वगैरह ये चीजें नहीं, ऐसे। वो घर में बैठे हैं तो वो एक सेपरेट प्लेस पे बैठ जाएं और अपना प्रेजेंट करें, इसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, मैनेज करने की बात है, आप जो मैनेज करेंगे तो फिर चलो ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी जी, सर, हो गया, ठीक है। मैं सबसे पहले आपके साथ, मैंने वैसे कोर्स आउटलाइन जो थी वहां पर भी शेयर कर दी थी ग्रुप के अंदर, ये एक रैंडम HEC की तरफ से जो कोर्स आउटलाइन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, आ रही है? इसमें इंटरप्राइज कोर्स आउटलाइन आप सबको विजिबल है, आप देख सकते हैं? सीआर? यस सर। हाँ जी, ये जरा पढ़ें सीआर क्या लिखा हुआ है। यस सर, पढ़ें जरा ये। Enterprise Architecture and Enterprise Engineering, Banner Source Card and Strategy Maps, right? Using Strategy Analysis, Analysis, ठीक है, Governance Analysis using EA, ठीक है, Enterprise Architecture Methods। हाँ जी, तो ये आपके पास बेसिकली ये कोर्स आउटलाइन है जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं, बिजनेस ड्राइवन डाटा मैपिंग क्या चीज है, इंटीग्रेटेड डाटा क्या होता है, मॉडलिंग कैसे होती है, और इसके अलावा अलाइनमेंट्स कैसे होती है, वर्क फ्लो मॉडलिंग कैसे करते हैं, बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, बिजनेस नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और फ्यूचर बिजनेस नीड्स क्या होती है। सेम लाइक दैट इसमें आपकी डिजाइनिंग की बात की जाती है, एनालिसिस की बात की जाती है, प्रोसेस मॉडलिंग की बात की जाती है, एंड देन आपके पास वेब सर्विसेज जो हैं उनकी बात की जाती है कि हमारे पास कौन कौन सी वेब सर्विसेज होंगी, उनको हम रियल टाइम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और फ्यूचर ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में जो है वो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह से इंटीग्रेट होंगे, कैसे काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और मॉड है जो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट एंटरप्राइज का एक आर्किटेक्चर, एक सिंपल चीजें बताई गई हैं कि एक बिल्डिंग है, एयरप्लेन, और देन आपके पास नेक्स्ट वन इज एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कैसे काम करते हैं। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन भी आपको नजर आ रही है,
कि व्हाट हाउ एंड वेयर, ये तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बाकी चीजें हाइड हो जाती हैं। व्हाट में जैसे कौन सा मटेरियल यूज होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे और उसकी लोकेशन क्या होगी, फिर उसका मटेरियल क्या होगा, फंक्शनल की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और हम फिर उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मॉडलिंग कैसे करेंगे, नेटवर्क मॉडल्स कैसे बनाएंगे, और देन व्हाट हाउ एंड वेयर, व्हाट मीन डाटा, हाउ मीन फंक्शन एंड वेयर मीन लोकेशन। ये जस्ट एक लाइक एंड उसका एक आप समझ सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि आप इन चीजों को किस तरह लेके चल सकते हैं जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास 6 W's यूज किए जाते हैं, व्हाट हाउ वेयर हु व्हेन एंड व्हाई। व्हाट का मतलब है हमारे पास कौन सी चीज अवेलेबल है, डाटा, हाउ मीन फंक्शन, वेयर लोकेशन, हु आई मीन द पीपल हु आर इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, लेबर हो सकती है, एंड व्हेन आई मीन इट इज अबाउट टाइमिंग, एंड देन लास्ट वन इज व्हाई, फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, फ्यूचर में हम उसे कैसे लेकर जा सकते हैं। तो इसमें जैसे एक प्लानर की ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स दिया हुआ है, स्कोप दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ थिंग्स कौन सी हैं, उनके प्रोसेस कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इवेंट्स कौन से होंगे, और नेक्स्ट वन इज द गोल और ऑब्जेक्टिव इसके क्या होंगे। ये एक सिंपल मैंने आपको बताया कि ये चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी जिसको हमने देखना है। इसके अलावा ये जो मैंने आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर किया था, इसके हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, टोटल टॉपिक्स डिवाइड कर देंगे, कुछ आधे जो हैं वो हाफ जो हैं वो आपके मिड टर्म के लिए और हाफ जो हैं वो आपके फाइनल टर्म के लिए होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास हम लोगों ने लास्ट टाइम ये स्लाइड शेयर किया था, मैंने आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, आपको वैसे भी बताया था, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है, कस्टमर को हमने कैसे वेब बेस्ड सेलिंग पे हम कस्टमर को कैसे लेते हैं, उसको कैसे हम डील करते हैं और डीलिंग में हमारी सेल परचेज कैसे होती है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन सेल। ये जो हमारा पहला सेशन है ये 35 मिनट्स का होगा, इसके बाद 20 मिनट्स की ब्रेक होगी एंड देन फिर 35 मिनट का हमारा सेशन होगा, ठीक है। अगला जो सेशन होगा उसका मैं लिंक आपको दोबारा शेयर करूंगा, और वो जो 20 मिनट्स होंगे उसमें आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, आपने उस असाइनमेंट को उसी 20 मिनट्स में सर्च करना है, एंड देन आपने खुद से, मैं बाय नेम कॉल करूंगा, आपने अपना जो चीजें सर्च की होंगी उस स्पेसिफिक टॉपिक पे, आपने ऑफलाइन चाहे वो विजिबल ना भी हो, आपने कहीं अपने सिस्टम पे रखनी है, चाहे राइट डाउन कर लें, तो वो चीजें मैं आपकी आपसे मतलब फीडबैक लूंगा कि आप उन 20 मिनट्स में, वो 20 मिनट जो है एक्चुअली वो एक एक्टिविटी के मिनट्स हैं, उसमें वो आपने वो चीजें जो है वो कलेक्ट करनी है और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ऑनलाइन सेल में आपके पास प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स होते हैं, मीन कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शॉपिंग कार्ड्स के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नाम आपने सुना होगा, शॉपिंग लिस्ट अवेलेबल होती है, एंड देन प्रोडक्ट को हमने कैसे कंफिगर करना है और डिफरेंट जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उनके साथ, एंड देन नेक्स्ट फेज इज ऑनलाइन सर्विसेज, और लास्ट वन है हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, मीन के ऑनलाइन जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे ट्रैक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन सेल के अंदर, प्रोडक्ट कैटलॉग्स क्या होते हैं। कैटलॉग्स वो होते हैं कि सपोज कोई प्रोडक्ट है हमारा, कोई सुपर स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं, सुपर स्टोर में जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, सपोज वो सुपर स्टोर भी है साथ में मेडिकल स्टोर भी है, उसमें मार्ट टाइप है, उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसमें उन्होंने देखना है जी कौन सा आइटम, सपोज एक टूथपेस्ट की बात है वो किस कैटलॉग के अंदर है, टिश्यू पेपर किस कैटलॉग के अंदर पड़े हुए हैं, सोप किस कैटलॉग के अंदर पड़े हुए हैं, फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं, किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है, हम उसको कैटेगराइज करते हैं, वो हमारे पास कैटलॉग्स होते हैं। लाइक आपके पास एक घर में कवर्ड है, उसमें आपने सपोज अपनी बुक्स रखी हुई हैं, सॉर्ट आउट की हुई हैं, तो आपने बुक्स को भी असाइन किया होता है, कैटलॉग से सर्चिंग इजी होती है कि इसमें मेरी कंप्यूटर की बुक्स जो है वो सॉर्ट की गई है, इसमें मेरी मैथ्स की बुक पड़ी है, इसमें मेरी जनरल नॉलेज की बुक्स पड़ी है, ये कैटलॉग क्विक सर्चिंग के लिए हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से हम शॉपिंग कार्ड को यूज कर सकते हैं, किस तरह हमने उनको परचेज करना है, क्रेडिट कार्ड को हम यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं अपनी शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस ऑनलाइन शॉपिंग के साथ यूज टू होंगे, इस कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पेमेंट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होती हैं, ये डिफरेंट चैनल्स हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं और ऑन डिलीवरी भी हम पेमेंट कर सकते हैं, और इवन आपको वो प्रोडक्ट अगर आपने देखा वो प्रोडक्ट आपको आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो देन कोई प्रॉब्लम था तो देन यू कैन रिटर्न, आप उसको विद इन 7 days डिफरेंट कंपनीज ऑफर करती हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। तो
तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी इंटीग्रेट की जाती हैं ऑनलाइन सेल के साथ। अब कोविड की वजह से वैसे भी ऑनलाइन सेल का जो ट्रेंड है वो ज्यादा काफी ज्यादा होता जा रहा है, हर आदमी जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है ताकि फिजिकली हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करना पड़े, घर से ना निकलना पड़े, हम ऑन डोर हर चीज रिसीव करें और पेमेंट करें। इसी तरह ऑनलाइन सर्विसेज जब हम लेते हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज में एक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट होता है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, विच इज नोन एज हेल्पिंग सेंटर, हेल्प पॉइंट, जहां पर अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आ रही है, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी क्यूरी एंटरटेन नहीं हो रही है, तो देन आप क्या करते हैं, आप अपने हेल्प सेंटर पे कॉल करते हैं एंड अपना उस प्रोडक्ट आईडी बताते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की हुई थी, भेजी हुई थी, उसकी अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं एंड देन आपके पास उसकी कोई ना कोई आपके पास उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है या वो जो आपका प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज हम लोग इसको कैसे फर्दर इसको देख सकते हैं इन चीजों को, उसमें आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग को एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कैसे कैसे वो काम कर रही हैं, ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पिछली स्लाइड में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, सीआर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम ने हमने देखना है कि टोटली जो उनकी एक्टिविटीज हैं सप्लायर से लेकर कस्टमर तक, आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में तीन चीजें आती हैं, एक बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस टू कस्टमर और एक कस्टमर टू कस्टमर। हमारे पास तीन बेसिक इसके आप कह सकते हैं कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी हमने देखना यह है कि इसमें कौन कौन सी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट वन इज चेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोज एंड डिसीजन मेकिंग विद इन अ फर्म, एंड चेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोज एंड डिसीजन मेकिंग बिटवीन फर्म्स, डिफरेंट फर्म्स हैं उनके साथ हमने कैसे अपनी चीजों को चेंज करना है, कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो करेंगी और किन बेस पे बैठ के हमने अपने डिसीजन लेने हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास ईआरपी जो सिस्टम है वो कैसे काम करेंगे, हम उनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करेंगे, एंड देन हम उसकी प्लानिंग स्केड्यूल और उन चीजों को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि हमारी मैक्सिमम आउटपुट आए, हमने उसके लिए प्लान करना है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास स्केड्यूल होता है पूरा, हमने कैलेंडर सामने रख के अपनी एक्टिविटीज डन करनी होती है, किस डेट को हमने क्या काम करना है, किस डेट को हमने अपनी कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, किस डेट को हमारी मीटिंग होगी, ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद SCM। एंड इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स होता है हमने उसको इंक्रीज करना होता है, डिमांड्स को देखना होता है, एंड देन हमारा जो इन्वेंट्री है उसको हमने रिड्यूस करना होता है, और फिर हम देखते हैं कि ये मोर रिलायबल हो और हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमने किसी के साथ कमिटमेंट की है तो हम उस कमिटमेंट को पूरा करें। ऐसा नहीं है आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन बिजनेस में सपोज आपने एक मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, आपको किसी ने कहा है कि जी मुझे 5 जो है पैनाडॉल या एक पत्ता पैनाडॉल का चाहिए, तो आप कहें यार अब एक 10 किलोमीटर दूर है और फिर एक पत्ता पैनाडॉल का भेजना है, ये काफी मुश्किल है। अगर आप अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उनकी कमिटमेंट्स जो आपने की हुई हैं अपनी कंपनी की उन पे आप पूरा नहीं उतरेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है। इसी तरह आपके आपके लिए एक एक कस्टमर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रांजेक्शन 5 रुपीज की भी क्यों ना हो रही हो या 10-20 की भी क्यों ना हो रही हो, और अगर आप उसको फर्स्ट टाइम रिफ्यूज करेंगे, आप कहेंगे नहीं जी सॉरी हम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, वो उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेगा। तो इसी तरह से जब आप 2-3 बार उसकी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा करेंगे, आफ्टर दैट वो आपका एक रेगुलर कस्टमर हो जाएगा, और देन फिर आपने जहाँ पे आपका लॉस था आपने उसी से ही अर्न करना होता है। एंड देन हमारे पास जो है मैनेज चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स, हम इसमें देखते हैं कि हमारे न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, ऑल दैट हम किसने बनाया है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इनको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो एंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं उसमें इन्होंने एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की बात करी है, हमने उसमें पोर्टल्स की बात कर सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, हम उसकी बात कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये सारी की सारी जो है हमारी एंटरप्राइज सिस्टम की एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो आईटी एप्लीकेशंस हैं उनका बिजनेस में क्या ट्रेंड है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन बिजनेस की आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं, आप वेबसाइट पे बैठ के अपना सिंपल एक अकाउंट जनरेट करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं,
आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू राइट कि आज मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा ई मेल एड्रेस है, ये मेरा सिटी है, ये मेरा मेलिंग एड्रेस है एंड मुझे ये तीन चार प्रोडक्ट चाहिए. आफ्टर टू और थ्री डेज वो आपको डिलीवर हो जाता है. इसी तरह से हमारी मोबाइल्स और वायरलेस नेटवर्क्स जो हैं ये भी यूज किए जाते हैं और ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं अक्रॉस फंक्शन विद इन अ कंपनी. अक्रॉस कंपनी सारी आपस में इंटीग्रेट करती हैं और इसमें कंपोनेंट बेस्ड भी होते हैं. मीन कुछ पार्ट उसका जो है वो आपका ऑनलाइन चल रहा है, कुछ आपका मैनुअली आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ. नेक्स्ट वन है बिजनेस इश्यूज विद आईटी एप्लीकेशंस, वेदर टू बाय, आपने क्या चीज बाय करना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, फिर हमने उसके टेक्निकल और जो बिजनेस बेनिफिट्स हैं उनको उनको एनालाइज करना है, उनका कंपैरिजन फाइंड आउट करना है. देन फिर हमने अर्ली और लेट में जो चीज बाय हो रही है उसको देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा फॉरन एक शॉर्ट टाइम में जो है वो हमारा सेल हो गया, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब उसको महीने लग गए हैं या ज्यादा दिन लग चुके हैं, लिमिट सेट से ज्यादा टाइम चला गया. एंड व्हाट टू बाय, फिर आप चेक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं. हम उन नीड्स को देखते हुए हम सर्वे भी कर लेते हैं समटाइम, जब कहीं बिजनेस करते हैं तो हम पहले सर्वे कर लेते हैं, देखते हैं जी इस एरिया में अगर हम कोई शॉपिंग मॉल या फिर मार्ट वगैरह बना रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या लोगों को चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट क्या है. वो देखने के बाद फिर आप उस चीज को फंक्शनल करते हैं. सेम लाइक दैट आप स्टैंडर्ड्स एंड कंपैटिबिलिटी को भी चेक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है फिजिकली, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी हमें सपोर्ट भी चाहिए होती है, उसमें हमारे जो यूजर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है. एंड फेज्ड अप्रोच, हम उसके फेज बना देते हैं, फर्स्ट सेकेंड, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हमारा जो टास्क है वो फाइनली कंप्लीशन की तरफ जाता है. ये जी हमारे थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया. इस पूरी स्लाइड को आपने जो है वो अच्छे से देखना है. इसमें टोटल आपके पास 14 स्लाइड्स हैं और इन 14 स्लाइड्स को आपने अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट वीक में हो सकता है मैं यहाँ से आपसे एक छोटा सा ऑनलाइन क्विज ले लूँ, तो वो उसके लिए आपने इन जो 14 स्लाइड्स हैं इसको अच्छे से रिव्यू करना है. कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे ऑफलाइन वैसे भी कम्युनिकेट मेरे साथ डायरेक्टली कर सकते हैं. इसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट वन है जिसको हमने पढ़ना है, विच इज नोन एज ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स. क्या थे जो हमारे पहले पुराने सिस्टम चल रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको हम जरा उसकी छोटी सी समरी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास सिस्टम पुराने सिस्टम पड़े हुए हैं मतलब वो कैसे काम करते हैं. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैव टिपिकली बीन डिफाइंड बाय आईटी स्टाफ बाय इंटरव्यूइंग द यूजर टू डिटरमिन देयर ऑपरेशनल बिजनेस नीड्स. हम क्या करते हैं, हमने जब किसी से कुछ पूछना होता है ना तो हम उसके लिए बहुत सारे चीजें होती है. हम क्वेश्चनायर बना देते हैं, हम कोई इंटरव्यू का सेशन कर लेते हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, हम कोई उनके साथ मीटिंग रख लेते हैं, हम कोई पेपर सर्वे करवा लेते हैं. तो ऑल दीज बेसिकली वो नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए यूज किया जाता है. इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उनको एस्टैब्लिश कर देते हैं टेक्नोलॉजी में, डेटाबेस को डिजाइन कर देते हैं, फिर उसकी टेक्नोलॉजीज के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. एंड देन हमारे पास जो डिजाइन है वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. टेक्नोलॉजी में जब हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसके कुछ इश्यूज भी हैं. मीन उसको द बिजनेस नीड्स हैव बीन डिफिकल्ट टू डिटरमिन इफ दीज नीड्स आर नॉट अंडरस्टूड और एक्सप्रेस क्लियरली. आप उसको नहीं कर ले, द डिजाइन सिस्टम मे नॉट एड्रेस इन रियल नीड्स ऑफ द यूजर एंड नेक्स्ट फेज इज टिपिकली नॉट अलाइंड विद द कॉर्पोरेट गोल्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स. हमने किस चीजों को देखना है, ये हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम डायरेक्टली किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस आर नॉट क्लियर. तो फिर हम आईटी को हमारे लिए फिजिबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता कि हमने उसको कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है. इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फ्यूचर की नीड्स होती हैं उनको देखने के लिए हम ऑपरेशनल को प्रोसेस करते हैं. आज हम किसी चीज को ज्यूम कर लेते हैं कि ये करना है, फिर उन एक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं कि जी हमें नेक्स्ट क्या चीज चाहिए. और फिर जो इंटरप्राइज इंजीनियरिंग है वो आपको प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट जी जो है वो मैं आपके साथ आफ्टर 20 मिनट्स, अभी मैं 20 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो है वो आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा. मैं 15 मिनट के बाद उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपने उसको देख लेना है और देखने के बाद जो है फिर फर्दर. और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 20 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, इस 20 मिनट्स में आपने फाइंड आउट करना है कि ये फूड पांडा जो है
ये कैसे काम करता है, फूड पांडा क्या चीज है, इस पे हम लोग कैसे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे हमें जो है वो रिस्पॉन्स करता है, ऑल दीज, ये फूड पांडा को आपने जरा स्टडी करना है कि ये इसका जो बिजनेस में क्या इसका अमल दखल है, क्या ये चीज सही है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इन चीजों को आपने लिस्ट आउट कर लेना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है जी सीआर, समझ आ गई इस बात की? यस सर। तो ये आप फूड पांडा को सर्च करें, 20 मिनट्स आपके पास हैं। आई विल बी बैक एट 2:55 PM इंशाल्लाह, राइट? फिर मिलते हैं 2:55 पे। थैंक यू।